ऊपर वाला सब देख रहा है। अब आपके ऊपर वाले का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक ऊपर वाला जरूर है जो वाकई में सब कुछ देख रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरा है जिसकी आंखों से कुछ भी बच नहीं सकता। इसलिए दोस्तों तैयार हो जाइए लोगों के फ्रस्ट्रेशन से लेकर इनके चोरी करने के तरीके तक को देखने के लिए। और हाँ, लोगों को गिरते पड़ते देखने का भी तो एक अलग मजा है, और हमें पूरा यकीन है कि उस मजे को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले आप अपनी नजर इन मोहतरमा पर डालिए, क्योंकि इनके टैलेंट का तो कहना ही क्या है। इन्होंने इतना बड़ा बॉक्स इतनी आसानी से अपनी स्कर्ट के अंदर डाल दिया, मतलब चोरी करने का इनका ये तरीका वाकई में लाजवाब है। वैसे लाजवाब तो ये लड़की भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो केवल एक बॉक्स उठाया था, ये मैडम तो पूरा का पूरा बियर बॉक्स ही अंदर कर ली। अब इन्हें कौन बताए कि इतनी ज्यादा बियर सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छा, क्या कभी आपने बिल्लियों को उड़ते देखा है? नहीं नहीं, हम पागल नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे पास आज सबूत है। जी हाँ, यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। ये दोस्तों बिल्ली को उड़ते हुए देख के हैरान हो गए ना। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन सत्यानाश तो होना ही होता है, और फिर जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाती है, ठीक इस शख्स की तरह जिसकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। इस तरह की सिचुएशन में हम तो यही कहेंगे कि इन्हें थोड़ी देर जाकर आराम करना चाहिए, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं था, चीजें इससे भी ज्यादा बुरी हो जाती हैं। दोस्तों बच्चे चाहे जितनी शैतानियां क्यों ना करें, लेकिन जब इमरजेंसी पड़ती है तो ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाने से पीछे नहीं हटते, और बच्चों के लिए उनका डमी गिर जाना वाकई में एक इमरजेंसी है। ऐसे में आप खुद ही इन दोनों की क्रिएटिविटी तो देख लीजिए। जब चीजों की डिलीवरी देनी होती है तो हर एक चीज सावधानी से करनी पड़ती है, जैसे कि ये शख्स कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी लाख सावधानियां क्यों ना बरती जाए, रायता तो फैलना ही होता है, जैसे कि यहाँ हुआ। जहाँ बेचारा ये शख्स पार्सल को आराम से दरवाजे के पास तक लाया, लेकिन तभी बर्फ की वजह से पार्सल फिसल कर दूर चला गया। दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि पुलिस वाले आगे जा रही गाड़ी को चेज कर रहे हैं, और आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम आपको बता दें इसमें बड़ी बात उस गाड़ी में बैठे लोगों की गिनती है, जो कम से कम 20 तो होगी। दोस्तों वाकई इस गाड़ी से निकलते लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे डोरेमोन के पॉकेट से गैजेट निकल रहा हो। अब इस वीडियो से ये पता चलता है कि अगर डिलीवरी बॉय फ्रस्ट्रेटेड हो तो क्या हो सकता है, क्योंकि इतने बुरे तरीके से पार्सल फेंकना मतलब पार्सल का चकनाचूर होना होता है। हमें तो इस शख्स पर दया आ रही है जिसका ये पार्सल होगा। बेचारा जब खोलेगा तो टुकड़ों के अलावा शायद ही कुछ मिले। अब जरा आप इन मोहतरमा का दिमाग देख लीजिए, क्योंकि जब ये काम कर रही थी तब किसी ने इनके डेस्क पर कुछ फेंक दिया। हालांकि आराम से उसके खिलाफ एक्शन ले सकती थी, लेकिन इन मोहतरमा ने तो उसे खुद के सिर पर मारना ज्यादा बेहतर समझा। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि ये कहां होते हैं ऐसे लोग जो दूसरों की गलती पर खुद को ही चोट पहुंचाने में लगे रहते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि लड़की पटाना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि जहां ये जनाब लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वेट पर वेट बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरे ही पल उसे उठाने में इनकी हालत भी खराब हो गई। पर इनकी हवा तो तब टाइट हुई जब उन्हें पता चला कि लड़की ने इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों अब आप इस टीवी एडवर्टीजमेंट क्लिप को देखिए, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की तो सांसें तेज हो गई थी, क्योंकि जैसे इन्होंने लिफ्ट के अंदर कदम रखे लिफ्ट की फ्लोर टूट कर जमीन पर गिरने लगी, जिसे देख सभी की हालत खस्ता हो गई थी।
ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीवी की दुनिया को खत्म कर देंगे? क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगता है। बाकी अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट बॉक्स पर #yes और ना हो तो #no लिखना मत भूलिएगा। अब दोस्तों आप ठगबाजों की ठगी का ये तरीका देखिए, जहां ये जनाब खुद ब खुद ही आकर गाड़ी से टकरा गए और फिर ऐसे दिखाने लगे जैसे एक्सीडेंट हो गया, जहां ये दोनों शख्स मिले हुए थे। उतने पर ये महिला आई, इसने बोला इसकी गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है और ये तुरंत पुलिस को फोन कर देगी, जिसके बाद ये दोनों ऐसे में 9-2-11 हो गए जैसे उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ देंगे। अब आप जरा इन बेहद ही शानदार एम्प्लॉयज को देखिए। अब हमें नहीं पता कि ये कहाँ काम करते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि ये 9-5 की जॉब तो नहीं करते हैं, वरना इतने खुश कहाँ होते। अब आप इस भालू पर नजर डालिए, जो ऐसे चोरी कर रहा है जैसे इसे पता है कि ये क्या कर रहा है। वो तो दोस्तों सिक्योरिटी कैमरा में सब कुछ साफ साफ पता चल गया, वरना किसे पता था कि अब इंसानों को छोड़कर अपना सामान जानवरों से भी बचाना पड़ेगा। पहली बात तो शराब नहीं पीनी चाहिए, और अगर पीनी चाहिए तो घर पर ही आराम से बैठकर पीकर सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पैक चढ़ाने के बाद घर से निकलेंगे तो आपका भी इनके जैसा हाल हो सकता है, जिसे खुद को ही नहीं पता कि वो कहाँ गिर रहा है कहाँ उठ रहा है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक तो करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें आपके लिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमें तो नहीं लगता कि आप कभी भी बड़ी सी नाव से पंगा लेने की कोशिश करेंगे। पहले जहाँ ये शख्स बोट को घसीट रहा था, वहीं कुछ पल बाद बोट इसको घसीटने लगी। अच्छा क्या आपको पता है बैटमैन असली है? अरे नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद ही देख लीजिए। जी हाँ, अब इन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पुलिस ऑफिसर इनके साथ सेल्फी खिंचवाने गई, क्योंकि अब बैटमैन के साथ भला कौन सेल्फी नहीं खिंचवाना चाहेगा। दोस्तों चोरों का तो कहना ही क्या, उन्हें तो बस मौका चाहिए कि जहाँ जगह मिली वहीं अपनी चोरी को अंजाम दे दे। अब जैसे कि इस शख्स ने किया, जहाँ बेचारी ये मदर अपने बच्चे को संभालने में लगी थी, उतनी देर में चोर आया और चुपके से इसके पर्स को उठाकर भाग गया। खैर अंत में चोर को पकड़कर जेल में तो बंद कर दिया गया, जहाँ पर कुछ सालों तक इन्हें चोरी करने को नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं चोरी, क्योंकि छोटे मोटे चोर छोटी मोटी चोरियां करते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल चोर तो हमेशा बड़ा हाथ ही मारते हैं, जैसे कि ये भालू कर रहा है, जहां इन्होंने पूरा का पूरा डस्टबिन का डब्बा ही उड़ा लिया, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये इनका क्या करेगा। दोस्तों अच्छी बात है कि आप एक दो लोगों का काम अकेले कर लें, लेकिन जब आप 10 लोगों का काम अकेले करने जाते हैं तो बाहुबली कहलाए या ना कहलाए, लेकिन हमारी नज़र में बेवकूफ़ ज़रूर बन जाएंगे। और अगर विश्वास नहीं होता तो इनकी हालत देखकर आपको हमारी बात पर विश्वास पक्का हो जाएगा। यूँ तो मुर्गियों को देखकर कोई ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन अगर वे आपके बिना पता लगे आपकी कार में घुस जाए तो फिर अचानक से बाहर निकले तो कोई भी हैरान हो जाएगा, जैसे कि ये कार ओनर हो गया। अगर आपको भी काम करते करते ऐसी नींद आती है, तब तो इस शख्स पर आपको दया आ रही होगी, जैसे कि हमें आ रही है, जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी कोई मदद नहीं कर पाती है। अच्छा दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप लिफ्ट पर ऊपर जा रहे हैं और तभी एक एक करके सारे स्टार वॉर्स के कैरेक्टर लिफ्ट में चढ़ते जा रहे हैं, तो आपका हाल क्या होगा?
खैर आपका जो भी हो, लेकिन इन जनाब का हाल तो बहुत बुरा हो गया था। दोस्तों क्या आपने भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग देखा है? अगर हाँ तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बिल्कुल बताना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।